नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में ना मैं बात करने जा रहा हूं गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। एंड हम जब गेमिंग लैपटॉप के बारे में सोचते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे मन में दो बातें होती हैं। या तो जो लैपटॉप हम खरीदने जाएंगे उसमें आपको बहुत सारा मतलब बहुत बढ़िया हॉर्स पावर देखने को मिलेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत बढ़िया होगी, उसका डिस्प्ले बढ़िया होगा, बट एट द सेम टाइम आपको लगता है कि भाई प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे सोचते हैं कि भाई प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर आपको लगता है कि भाई और भी बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि उसका परफॉर्मेंस हो गया, डिस्प्ले हो गया, डिज़ाइन हो गया। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन, अमेजिंग परफॉर्मेंस, बट एट द सेम टाइम दोस्तों काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली होगा। जी दोस्तों, जो डिवाइस है उसका नाम है MSI Gatana GF66। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं इसी के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आप इस फेस्टिव सीजन एक गेमिंग लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं तो ये दोस्तों एक बहुत बढ़िया चॉइस क्यों हो सकती है आपके लिए। तो चलिए पता लगाते हैं इसके बारे में, शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस लैपटॉप के डिजाइन से, और अगर मैं सिर्फ 3 शब्दों में कहूं कि भाई इस पर्टिकुलर लैपटॉप का डिजाइन कैसा है तो वो होगा शार्प, स्लीक एंड मॉडर्न। तो दोस्तों अगर आप दूसरे लैपटॉप्स को देखते हैं, अगर आप मार्केट में गेमिंग लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ देम आर बीफी, और उन लैपटॉप्स को आप कहीं भी अगर लेके जाना चाहते हैं तो वो अपने आप में एक टास्क होता है, बिकॉज उनका जो चार्जर होता है, उनकी जो खुद की जो अपीयरेंस होती है काफ़ी ज़्यादा बीफी होती है। बट विद MSI Gatana GF66 जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड यहाँ पे दोस्तों उन्होंने इस पर्टिकुलर लैपटॉप को एक वर्क ऑफ आर्ट बनाने की कोशिश पूरी करी है। अब दोस्तों यहाँ जो डिजाइन लैंग्वेज है उसको MSI रिफर करता है ड्रैगन ब्लेड नाम से, और अगर आप देखें तो वो कई हद तक आपको देखने को भी मिलता है। लैपटॉप काफी ज्यादा मिनिमल है एंड शार्प एस्थेटिक्स के साथ आता है, एंड उसी के साथ साथ काफी अट्रैक्टिव भी लगता है। जो रेड बैकलिट है दोस्तों इसकी, वो काफी ज्यादा बढ़िया है, एंड गेमर्स के लिए अगर आप गेमर्स एक्सपेक्ट से देखें तो ये एड करती है पूरी की पूरी डिजाइन लैंग्वेज में। अब अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो वो भी यहाँ पे स्मार्टली पोजिशन है, जिससे कि आपको परफॉर्मेंस तो बढ़िया मिलती है एंड वो जो एग्जॉस्ट है वो डिजाइन पे थोड़ी सी और वैल्यू ऐड ही करता है। तो ये तो हो गया दोस्तों लुक्स के बारे में बातें। अब हम बात करते हैं कि इस लैपटॉप की फंक्शनैलिटी जो है, डिजाइन प्लस फंक्शनैलिटी, वो कैसी है। तो अगर IO की बात करें, जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, तो वहां पे दिस लैपटॉप हैज यू कवर्ड। आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है DC चार्जिंग पोर्ट, उसी के साथ साथ आपको USB A 3.2 पोर्ट मिलता है कपल्ड विद USB A 2.0 पोर्ट। राइट हैंड साइड में दोस्तों आपको RJ45 का पोर्ट मिलता है विद फुल साइज HDMI पोर्ट, उसी के साथ साथ आपको एक USB Type-C पोर्ट मिलता है और एक और USB A पोर्ट जो कि 3.2 जो पोर्ट है वो है। अब इसके अलावा दोस्तों आपको 3.5mm का हेडफोन जैक मिलता है, और इन सब पोर्ट्स के अलावा दोस्तों ये जो लैपटॉप है, ये जो मॉडर्न वाईफाई 6 की जो कनेक्टिविटी है वो भी सपोर्ट करता है। अब दोस्तों दूसरा जो रीजन है इस लैपटॉप को कंसिडर करने का वो ये है कि ये जो लैपटॉप है इट्स एन ऑलराउंड पैकेज। जी हाँ दोस्तों, आप इसको गेमिंग के लिए तो यूज कर ही सकते हो, उसी के अलावा जो आपको जो वर्क है वो भी आप यहाँ पे इस लैपटॉप पे कर पाएंगे। तो चाहे आप प्रोडक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हो या फिर फन के लिए, MSI Gatana जो लैपटॉप है वो दोनों चीजें काफी बढ़िया से डिलीवर करता है। फॉर स्टार्टर्स आपको यहाँ पे फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है विद द नमपैड, एंड उसके अलावा दोस्तों ये जो की ट्रैवल है वो 1.7mm का है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। जो टचपैड है दोस्तों लैपटॉप का वो भी काफी बड़ा है अगर आप दूसरे गेमिंग लैपटॉप से कंपेयर करें तो। अगर आप जेस्टर्स वगैरह यूज कर रहे हैं व्हाइल यू आर यूजिंग डॉक्यूमेंट्स, या फिर अगर आप विंडोज में काम कर रहे हैं तो जो जेस्टर्स हैं आप उस पर्टिकुलर टचपैड में काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। इसी के अलावा MSI ने दोस्तों यहाँ पे गेमर्स हॉटकीज भी दिए हैं, तो गेमिंग वगैरह में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों अगर गेमिंग की बात कर ही रहे हैं तो डिस्प्ले में अगर नजर डालें तो आपको यहाँ पे 144Hz का IPS लेवल डिस्प्ले विद स्लिम बेजल्स देखने को मिलता है, और ये जो पैनल दोस्तों ये फुल HD है। सो 144Hz विद सो लेस बेजल, अगर आप गेम्स वगैरह खेल रहे हैं तो यू विल हैव अ ट्रीट हियर। मतलब जो रिफ्रेश रेट है, अगर आप ई स्पोर्ट्स वगैरह जो हम लोग खेलते हैं ना भाई, इसमें शूटिंग वाले गेम, वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया दिखते हैं। तो चाहे आप AAA टाइटल्स खेल रहे हो, ई स्पोर्ट्स टाइटल खेल रहे हो, यू विल फाइंड देम इंटरेस्टिंग। इसी के अलावा दोस्तों आप टीवी शोज देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, एंड जो ऑडियो है वो अभी आपको काफी बढ़िया मिलती है थैंक्स टू द डुअल 2 वॉट स्पीकर्स विद ट्यूनिंग फ्रॉम नहीमिक।
इसी के अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर हाई रेज ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है वाइड हेडफोन्स के लिए, तो अगर आप मूवीज खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, यू विल एक्चुअली लव द साउंड आउटपुट। अब दोस्तों तीसरे रीजन की तरफ चलते हैं जो कि परफॉर्मेंस। एंड आप अगर कोई गेमिंग लैपटॉप खरीद रहे हैं ना, तो परफॉर्मेंस तो भैया उसमें तगड़ी वाली होनी ही चाहिए। तो अगर MSI कटाना G66 की बात करें तो ये आता है इंटेल कोर i7-11800H प्रोसेसर के साथ, एंड उसी के साथ साथ आपको NVIDIA RTX 3060 का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। अब ये तो दोस्तों स्पेक्स है, दे स्पीक फॉर themselves, बट अगर आप बेंचमार्क की तरफ देख रहे हैं सो यू कैन लुक एट द बेंचमार्क्स, द सिंथेटिक बेंचमार्क्स और जो ट्रिपल ए गेमिंग टाइटल्स हैं वो सारे के सारी चीजें दोस्तों ये लैपटॉप काफी बढ़िया तरीके से हैंडल करता है विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। अब दोस्तों इसके अलावा कोई गेम हो जिसमें ऑफकोर्स अगर ऐसा हो कि काफी ज्यादा परफॉर्मेंस मतलब उसको चाहिए, तो यहां पे थैंक्स टू द डुअल फैन सेटअप लैपटॉप इतना ज्यादा गर्म नहीं होता। अब दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि भाई सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस डाल करके लैपटॉप कोई भी बना सकता है, लेकिन उस लैपटॉप का अगर जो थर्मल्स है, जो हीटिंग है, वो अगर ढंग से नहीं मैनेज की गई तो उस स्पेसिफिकेशंस का कोई फायदा नहीं है। अब यहां पे दोस्तों एक घंटे से ऊपर हमने बेंचमार्क्स रन किए हैं, गेम खेले हैं, एंड जो टेम्परेचर गया है वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है वो सिर्फ 92 डिग्री तक, एंड आई एम टेलिंग यू ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टेम्परेचर्स हैं अगर आप देखें कि हम कहाँ थे, दिल्ली में बैठ करके यहाँ पे सब गेम्स वगैरह टेस्ट वगैरह रन कर रहे हैं, तो उन सब के बाद जो पीक परफॉर्मेंस है, जो पीक टेम्परेचर वो सिर्फ 92 डिग्री तक जाता है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। अब अगला रीज़न है दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर गुडीज का। जी हाँ, MSI कटाना GF66 में आपको काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर बंडल भी देखने को मिलते हैं जो कि उस लैपटॉप के साथ प्री इंस्टॉल आते हैं। आपको MSI सेंटर देखने को मिलता है जो आपको हेल्प करता है कंट्रोल और कस्टमाइज करने में लैपटॉप को, और यहाँ पे दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको परफॉर्मेंस मोड चाहिए जब आप गेम्स खेल रहे हो, यू हैव इट देयर। उसी के अलावा दोस्तों आप फैंस पे, बैटरी पे, ओवरऑल पूरे के पूरे लैपटॉप के जितने भी अगर आप देखें कि अगर आपको माइक्रो मैनेज करना है लैपटॉप का परफॉर्मेंस, तो वो आप कर पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको MSI ऐप प्लेयर भी देखने को मिलता है जिससे दोस्तों आप मोबाइल गेम्स भी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो, एंड जिस तरीके से MSI ने इसको डेवलप किया है तो इट अलाउज यू टू प्ले द गेम इन फुल कैपेसिटी। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप एंड्रॉयड के, अगर आपके अपने फोन के गेम्स अगर लैपटॉप में खेल रहे हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं, आप कीबोर्ड, माउस एंड इवन एक्सटर्नल गेमिंग कंट्रोलर्स भी यहाँ पे यूज कर पाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है इस पर्टिकुलर लैपटॉप खरीदने का, वो है इसकी प्राइसिंग। अब दोस्तों प्राइसिंग पे जाने से पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। अब इस लैपटॉप के, जब मैंने परफॉर्मेंस के बारे में बात करी थी तो वहाँ पे मैंने बोला था कि इस लैपटॉप में आपको इंटेल 11 जनरेशन का जो चिपसेट है वो देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 12 जन मार्केट में है, ये 11 जनरेशन की बात क्यों कर रहा है। अब प्राइसिंग को कम रख करके परफॉर्मेंस, मैक्सिमम परफॉर्मेंस विद लिमिटिंग द प्राइसिंग जो है वो दोस्तों यहाँ पे MSI ने काफ़ी अच्छी तरह उसको कवर किया है। अब देखो 11 जनरेशन में जैसे आपने देखा कि बेंचमार्क्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा ठीक है, और अगर आपको नए जो चीज़ें आ रखी हैं मार्केट में जैसे DDR5 RAM अगर आप भी आपको नहीं चाहिए तो उसमें इस लैपटॉप को खरीद करके आप ओवरऑल देखें तो आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो काफ़ी बढ़िया मिलता है। अब दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो इस लैपटॉप का जो MRP है वो है 1,23,990, बट MSI इज ऑफरिंग हेवी डिस्काउंट अक्रॉस ऑल द लैपटॉप्स, एंड यहाँ पे MSI कटाना GF66 में आपको अप टू 20% ऑफ देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों उनके दूसरे जो लैपटॉप्स है, इट्स वाइड रेंज ऑफ लैपटॉप्स में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं। तो देखो अगर आप ये लैपटॉप खरीदते हो तो ऑफकोर्स जो 20% का जो डिस्काउंट है वो तो बढ़िया ही है, इसी के साथ अगर आप बैंक डिस्काउंट लगाते हैं तो जो फाइनल प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव साबित होगी। अब इस वीडियो के नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा जहां पे मैं ऑफर्स वगैरह के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी दे दूंगा। अगर आप इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट बाय लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे देखने को मिल जाएंगे। भाई वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, एंड इसी के साथ साथ दोस्तों मुझे सच में बताइएगा कि अगर आप ये लैपटॉप खरीदते हैं तो कौन से गेम्स हैं जो आप इसमें सबसे पहला खेलना चाहेंगे। आई एम श्योर GTA 5 बहुत लोगों के लिए इसमें होगा, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई गेम्स हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए थम्स अप देना, हमारा चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।